राष्ट्रवादी मंच के तत्वाधान में नगर के नागरिकों से संवाद करते हुए राष्ट्रवादी मंच के प्रमुख मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि वादों वादों के बीच मिर्जापुर विकास के लिए तरस रहा है। जनपद मिर्जापुर बाहरी नेताओं के लिए एकमात्र चारगाह बना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मिर्जापुर की सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं सभी नदारद हैं। पिछले 10 वर्षों से बाहरी नेताओं के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में जिले का नेतृत्व किया जा रहा है, जो सिर्फ अपने विकास में लगे हैं, लेकिन जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए त्राहिमाम कर रही है। माफिया और अपराधियों का चारागाह बना हुआ है। मिर्जापुर अशिक्षित जनप्रतिनिधियों, आरोग्य प्रतिनिधियों के कारण मिर्जापुर का विकास रुका हुआ है। लूट होने के जद्दोजहद में बाहर से आकर मिर्जापुर के नागरिकों का नेतृत्व दूसरे दल के लोग कर रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर यहां का नागरिक परेशान है। पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, मिर्जापुर की सड़कें चौपट हो चुकी हैं। सांसद और मंत्री गैर जनपद से आकर दूसरे दल के लोग अपना और अपने लोगों के विकास में दिन रात लगे हुए हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर की जनता को खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर अब कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। राष्ट्रवादी मंच के प्रमुख ने कहा कि अपराधियों और बाहरियों का, जनप्रतिनिधियों का चारागाह मिर्जापुर नहीं बनने वाला है। अब यहाँ के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। संस्कार और संघर्ष के विषय को लेकर के यह मंच का गठन किया गया है। इसका साफ उद्देश्य है समाज के सज्जन शक्ति को जागृत करना, समाज के सज्जन शक्ति को संगठित करना, समाज के सज्जन शक्ति के दम पर समाज के प्रतिरोधक शक्ति को खड़ा करना और समाज के ऊपर कोई संकट, कोई समस्या किसी भी प्रकार के द्वारा आती है तो यह राष्ट्रवादी मंच उस समाज के सज्जन शक्ति के दम पर लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलेगा, समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेगा। यही इसका लक्ष्य, यही इसका उद्देश्य। आप बता रहे हैं कि अभी टोल फ्री नंबर और सीधा रसोई वगैरह कुछ स्कीमें जी शुरू करेंगे, क्या उसका नाम? हम सभी लोग इस नगर के अंदर एक कार्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हमें यह कार्यालय उपलब्ध हो जाएगा, राष्ट्रवादी मंच का समाज के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ समाज का वह गरीब, असहाय, निर्धन, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, देहड़ी मजदूरी पर काम करने वाला, जो दिन भर मजदूरी करने के बाद भी अपना भरण पोषण नहीं कर पाता, उसके पेट में रोटी नहीं जा पाती, इसके लिए एक सीता रसोई चलाने का भी प्रयास यह राष्ट्रवादी मंच करेगा। हम स्थान ढूंढ रहे हैं, स्थान मिल जाएगा, हम सीता रसोई शुरू करेंगे। क्या 2024 में राष्ट्रवादी मंच चुनाव लड़ेगा? जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। टोल फ्री नंबर की क्या उपयोगिता है, क्या उसको क्यों शुरू करना चाह रहे हैं? उस टोल फ्री नंबर पर समाज जो परेशान है उस पर संपर्क करेगा, हमारे कार्यकर्ता उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। वह एक एडवाइस